Hello friends, welcome to the Abhimanyu IAS in the current affairs session. आज के हमारे session में जो news रहेगी वो base रहेगा internal securities के ऊपर. So, आज का session हम लोग शुरू करते हैं. अब यहाँ पे है कि decline in India's arm imports SIPRI. सर ये है क्या चीज़? कहते हैं कि एक recent report है, किसने बनाई? SIPRI ने. वो कौन है? स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है. उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि इंडियाज आर्म इम्पोर्ट, जो भारत अपना इम्पोर्ट करता था हथियारों को, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है. केम डाउन बाय द थर्ड, मतलब कितना? 33% रिडक्शन की है हमने इम्पोर्ट के ऊपर. क्यों की? अरे बेसिक लैंग्वेज में बोल दूं, भारत अब ये चाहता है कि हम लोग अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस खुद ब खुद डेवलप करें. हम अब लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी के और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट जो हम रहते थे उसको कम किया जाए. इसीलिए तो हमने इंपोर्ट को कम किया. कितने परसेंट? 33%. ये रिपोर्ट किसने दी है? यह SIPRI ने रिपोर्ट दी है. अब ये 33% किस किस ईयर में डिक्लाइन आया? ये है बिटवीन 2011 से 15 एंड बिटवीन 2016 से 22. अगर अब मैं बात करूँ स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये कब बना था? सर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश्ड इन 1966. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्टॉकहोम्स इन द स्वीडन, ये लोकेटेड है स्वीडन में, आपको ये देखने को मिल जाएगा. पहला पॉइंट क्लियर है. अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि इन द लास्ट ईयर इंडिया हैज टेकन अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस. अब भारत अपने घर की ही कंपनीज को बूस्ट अप करेगा. वो कौन सी हैं सर? फॉर एग्जांपल हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सर DRDO, इनसे अब मदद ली जाएगी. इन द व्यू पॉइंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही हम लोग अब भारत के अंदर ही आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड मिलिट्री प्लेटफॉर्म एंड द हार्डवेयर. करेक्ट. अब अगर बात करते हैं द फाइव लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, पूरे दुनिया के अकॉर्डिंग, अब वो साल लेते 2016 से 2020 का, तो पूरे दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं, कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, या फिर ये बोल दो कि डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो नंबर वन इज़ और USA, देन रशिया, देन फ्रांस, देन जर्मनी, और लास्ट में आता है चाइना. याद रखना USA, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, ये लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स हैं इन द ईयर ऑफ 2016 से 20 पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर. अगर बात करें टॉप इंपोर्टर्स की, तो सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी आता है इसके अंदर. ठीक है, अब हम लोग दूसरे रैंक में रहते हैं इंपोर्ट के अंदर. सऊदी अरेबिया टॉप द लिस्ट. अब सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है. कितना? 11% इंपोर्ट कर रहा है. अगर बात करें इंडिया की, फिर इजिप्ट की, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना. और अगर बात करें हमारे नेबरिंग कंट्री की, पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड इन एट द 10th प्लेस. वो कितना इंपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में? 2.7% इंपोर्ट कर रहा है आर्म्स को. ठीक है ना, इन द डिफेंस सेक्टर. आगे चलते हैं. कहते इंडिया टॉप 3 आर्म सप्लायर्स. अब भारत के कौन से ऐसे टॉप के 3 सप्लायर हैं दशक 2016 से 2020 तक के? नंबर वन इज और रशिया, देन फ्रांस, देन इजराइल. याद रखना, अभी तो हमने फ्रांस से रफेल्स को भी परचेज किया है ना, एंड इजराइल्स फॉलोड बाय द US इज द 4th पोजीशन. हमने सबसे ज्यादा रशिया से इंपोर्ट किया है. ठीक, अब बात करते हैं रशिया वॉज द मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक का हम रशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे. सर अब रशिया पे ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरे डिफेंस की अगर मैं रेशो की बात करूँ, तो भारत ने 33% किस में डिक्लाइन किया सर? इंपोर्ट के अंदर डिक्लाइन किया. तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सा होगा? रशिया होगा. Along with India's import of US arms also fell by 46%. हम अगर US से भी हथियार लेते थे डिफेंस सेक्टर के लिए, तो सर 46% की हमने कमी US के अंदर भी की है. ठीक, अब बात करें भारत की, तो म्यांमार, श्रीलंका एंड मॉरिशियस वर द टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर्स. हम लोग म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशियस से लिंकअप रखते हैं इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर्स देने की में.
ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 9.5% ऑफ द टोटल ग्लोबल आर्म्स, कितना है, 9.5% है हमारे पास अगर पूरे ग्लोब की बात की जाए तो इंपोर्ट के अंदर, कौन से साल में, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2016 to 20। एंड एक मिनट मैं क्लियर करता हूं आपको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि इंडिया अकाउंट फॉर 9.5% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर 2016 से 2020 तक। लीजिए अपनी एक न्यूज तो खत्म हो गई, अब अगर मैं बात करूं इसी पहरे में दूसरी न्यूज की, सर 0.2% ऑफ द शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट। अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर आपका भारत हथियारों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 0.2% एक्सपोर्ट कर रहा है सेम ईयर 2016 से 20 तक, तो इतने फीसदी एक्सपोर्ट करने के बाद भारत देश मेकिंग द कंट्री द वर्ल्ड 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स। हमने 0.2% एक्सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 24th रैंक हासिल किया इन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पे हम लोग 9.5% आर्म्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। अब अगर आगे बात करते हैं कि क्लियर इंडिकेटर है दैट द कंट्रीज ड्राइव टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। सर अभी COVID-19 होकर चुका है तो हमने इससे एक चीज देख ली कि अगर हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत डिक्लाइन करेगी। अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, सर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इकोनॉमी पे भी हम लोग काफी अच्छा बूस्ट अप लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए तो हमने आत्मनिर्भर भारत के अंडर हमने डिफेंस को भी लेकर आए हैं सर, कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं सर, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर है हम लोग, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसको अनाउंस किया गया था बाय द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, 4 फेजेस के अंदर इसको लॉन्च किया था इन मई 2020, याद रखना कब लॉन्च किया था, इन द मई 2020, ठीक। एज इंडिया परसीव्स इंक्रीजिंग थ्रेट्स, अगर बात करें भारत को अब थ्रेट्स पाकिस्तान और चाइना से भी हैं, इसीलिए तो हमने इसको और ज्यादा बूस्ट अप करने की सोची है। कहते हैं द रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर एट्रीब्यूट बाय द ड्रॉप इन इंडियाज आर्म इंपोर्ट मेनली टू अटेम्प्ट। सर क्यों किया, क्योंकि हम लोग रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया आर्म, क्योंकि हम लोग रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, हमारा टॉप का इंपोर्टर था ये। एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रेस सॉरी प्रोसेस, क्योंकि इसको फिर अगर रशिया से हम लोग कुछ परचेज भी करते थे तो भारत के अंदर लेकर आने में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस से हमें गुजरना पड़ता था। कहते इंडिया इज गेटिंग मोर सेल्फ डिपेंडेंट एंड हैज टेकन अ राफ्ट ऑफ मेजर टू कट डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर। इससे एक चीज तो हमें ध्यान में रखनी ही है सर, एक तो अगर भारत के अंदर ही हम लोग डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। अब करते हैं बात कि इंडिया हैज सेट असाइड 70,221 करोड़, कितना 63% हो गया लगभग ऑफ द मिलिट्री कैपिटल बजट। अगर बजट में से हमने 63% निकाल दिया फॉर 2021 एंड 22 फॉर बाइंग द लोकल प्रोड्यूस वेपन्स। सर सपोज कीजिए भारत का 100% हमने बजट निकाल दिया फॉर द डिफेंस, उसमें से डिफेंस में अगर 100% बजट है तो 63% हमने रिजर्व रख लिया, क्यों, क्योंकि हमने लोकली प्रोड्यूस वेपन्स परचेज करने हैं एंड सिस्टम टू बूस्ट डिफेंस इंडिजनाइजेशन, करेक्ट। अगर अब बात करते हैं लोकली प्रोड्यूस वेपन्स की, सर देखिए दूसरा पॉइंट कि द एलोकेशन फॉर इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट मेड ऑफ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर विल पावर द परचेज ऑफ तेजस। एक तो हमने तेजस को परचेज करना है, क्या LCA स्टैंड फॉर द लाइट कम्बेट एयरक्राफ्ट, दूसरा क्या है MK-1A जेट्स लाइट कम्बेट हेलीकॉप्टर्स बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, अर्जुन MK-1A
ए टैंक, हम टैंक्स परचेज कर रहे हैं, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, और उसके बाद पिनाका रॉकेट सिस्टम। सर पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है? ये पिनाका इज अ, थोड़ा सा नोट कर लो इसको, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है ये वाला, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया या डेवलप्ड इन इंडिया आप लगा सकते हो। किसने बनाया सर ये? डीआरडीओ ने, एंड एंटी टैंक मिसाइल्स। अब अगर बात करें कि द 48,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 83 LCAs लाइट कम्बेट एयरक्राफ्ट, कौन सा? MK-1A जेट, अभी यहां पे था ये वाला, अवार्डेड किसको? अवार्ड मतलब किसको बनाना है ये बनाना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड लास्ट मंथ। सर ये पब्लिक सेक्टर है ये वाला, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट्स, ठीक है ना। हॉल इज द बिगेस्ट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील सो फॉर। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा? बेंगलोर में, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं थोड़ी सिप्री की भी, कि सर सिप्री को हमने पहले ही बोल दिया था कि 1966 में बनाया गया था, लोकेटेड इन द स्टॉकहोम, जो स्वीडन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली सिप्री इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। क्यों बनाया गया? सर डेडिकेटेड है टू द रिसर्च इन टू, किसके अंदर रिसर्च करेगा? कॉन्फ्लिक्ट, आर्ममेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट्स, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। डिसआर्ममेंट्स हम लोग आगे करंट अफेयर्स लेकर आएंगे डिसआर्ममेंट्स के ऊपर। कहते सिप्री इज रेगुलरली रैंक्ड अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। सिप्री विजन इज अ वर्ल्ड इन विच सोर्सेज ऑफ इनसेक्योरिटी आर आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेंटेड और रिजॉल्व्ड एंड पीस इज सस्टेन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्लाइड। सर ये नहीं है सिप्री सिर्फ ये बताएगा ये हथियार बना लो वो हथियार बना लो, ये डिसआर्ममेंट्स पे भी देखता है, इवन ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व आउट करने की भी कोशिश करेगा, एंड पीस इज सस्टेन्ड। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहीं तक रोकता हूँ, मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, इसको रेट और रिकमेंड जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।